Welcome, welcome back to my channel. Hi, those are you. My name is Divasundar, you can call me Disha. Today I'm again back with Misho Hall and ये जो हॉल है आज का वो राखी के ऊपर बेस्ट है क्योंकि राखी आ रहा है अभी. मैंने पहले भी एक हॉल बनाया हुआ है राखी आउटफिट्स के लिए जो कि मैंने सिर्फ मिशो से बनाई है. वो अगर वो आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप ज़रूर मेरे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, मैं उसका लिंक दे दूँगी वहाँ पर. एंड ये जो है पार्ट टू है राखी का फ्रॉम मिशो. अगर मिशो के अलावा आपको कहीं और से लाइक मिंत्रा से अगर आपको चाहिए राखी आउटफिट्स देन आप मुझे बिल्कुल बता सकते हैं, मैं बिल्कुल ट्राई करूँगी. तो या आज का जो हॉल है वो टोटल इंडियन वेयर पे ही है क्योंकि राखी में हम नॉर्मली इंडियन वेयर पहनते हैं. विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो. ये जो हॉल है इसमें मैंने मोस्टली जो जितने एम्ब्रॉयडरी एंड चिकनकरी कुर्ती मैंने मीशो से देखे थे बहुत अच्छे अच्छे एंड उसके रिव्यूज़ भी अच्छे थे वो मैंने ट्राई किया है. सो उनमें से मैं अभी स्टार्ट करूँगी. जो पहला कुर्ती मैंने कुर्ता सेट मैंने लिया है ना मीशो से दैट इज़ दिस ब्लैक कॉटन शॉर्ट कुर्ती एंड ये मुझे पड़ा कुछ 575 रुपीज़ एंड इसका साइज़ मैंने एक्स्ट्रा स्मॉल लिया है जो कि मुझे फिट हो रहा है परफेक्टली. का जो साइज चार्ट है ना वो उन्होंने सिर्फ मेंशन किया है कि कौन से साइजेस के अवेलेबल है लाइक एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्मॉल एंड एक्स्ट्रा स्मॉल स्मॉल लार्ज ऐसे ही मेंशन किया है उन्होंने. जो एक्स्ट्रा स्मॉल का जितना बस साइज़ वेस्ट साइज़ वो मेंशन नहीं किया है उन्होंने. सो इसलिए बट मैंने इसलिए सबसे जो छोटा वाला साइज़ था वो मैंने मंगाया है दैट इज़ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्मॉल एंड मुझे परफेक्टली फिट हो रहा है. सो मैं आपको दिखाती हूँ. ये मैंने लिया है गोल्डन चिकन एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड शॉप से. तो मेरे स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि क्या मैंने मंगाया था एंड मैंने रिव्यूज़ में देखा था. रिव्यूज़ में कुछ कुछ जैसा उन्होंने दिखाया ना कैटलॉग में कुछ वैसे डिक्टो थे एंड कुछ ऐसे भी थे कि मतलब डिज़ाइन उसका मैच नहीं कर रहा था रिव्यूज़ में जो मैंने देखा था. बट ये जो कुर्ती मैंने मंगाना है डिक्टो जैसा डिज़ाइन में कैटलॉग में उन्होंने दिखाना बिल्कुल वैसा ही है. सो मैं आपको दिखाती हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा उन्होंने एम्ब्रॉयडरी का काम किया है. इसकी जो फैब्रिक है दैट इज़ प्योर कॉटन है. ब्लैक कलर के फैब्रिक के ऊपर उन्होंने पूरा वाइट कलर थ्रेड से एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है पूरा, आप देख सकते हो. एंड बहुत ही प्यारा लगता है आप जब इसको पहनते हो. यू कैन वेयर इट विथ ए ब्लैक जीन्स और ब्लैक ट्राउज़र अगर आपके पास है तो आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगेगा. एंड ब्लू डेनिम जो लाइट ब्लू होता है ना उसके साथ भी आप इसको पहन सकते हो, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा. इसके स्लीव्स जो है वो 1/3 स्लीव्स हैं, 1/3 स्लीव्स है यू कैन सी. एंड स्लीव्स के एंड पे भी उन्होंने ऐसे प्यारे प्यारे से फूल किया है, वो सारा एम्ब्रॉयडरी किया है उन्होंने थ्रेड, बहुत ही सुंदर दिख रहा है. इसके अंदर उन्होंने कोई इनर वेयर तो नहीं दिया हुआ है बट ये ब्लैक है सो ये कुछ दिखेगा नहीं. आप इसके अंदर अगर आपके पास कोई ब्लैक इनर वेयर है तो वो आप पहन सकते हो. एंड पीछे आप देख सकते हो पीछे उन्होंने थोड़ा सा यू नो बैक में ये वाला किया हुआ है एंड नेक पे यू कैन सी एंड जहाँ पे स्लीव स्टार्ट होता है वहाँ पे भी उन्होंने प्यारा से डिज़ाइन किया हुआ है. तो पीछे उन्होंने बस इतना ही किया है. एंड इसका लेंथ जो है ना वो आपके थाइस तक आएगा. मैं इसका जब ट्राई ऑन दिखाऊंगी आपको तो उसमें आपको दिखाऊंगी कितना तक आता है. आप पूरा नीचे का आप देख सकते हो, नीचे का कितना प्यारा काम किया है. जितनी इसकी हाइट है ना पूरे में उन्होंने सेम डिज़ाइन किया है जो कि उन्होंने नेक पे यहाँ पे स्टार्ट किए वो वाला फ्लावर का एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है पूरा नीचे तक. एंड बीच में उन्होंने ऐसे गोटे जैसे लगाया हुआ है पूरा एंड तक उन्होंने लगाया हुआ है. बहुत ही प्यारा ये दिखता है जब आप इसको पहनोगे. इस तरह की जो प्रिटी कुर्तीज होते हैं ना चिकन करी एंड एम्ब्रॉयडरी की वो बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है अगर साइज़ के अवेलेबल है तो. सो या आई कैन ट्राई. जो सेकंड कुर्ती मैंने लिया है दैट इज़ रेयर फैंसी कुर्ती एंड ये मैंने लिया है क्रीमी शॉप से एंड इसका जो प्राइस पड़ा दैट इज़ 427 एंड इसका साइज़ मैंने स्मॉल मंगाया हुआ है. सो आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते होंगे कि क्या मैंने ऑर्डर किया था. एंड इसकी जो फैब्रिक है ना वो पूरा जॉर्जेट है एंड जॉर्जेट फैब्रिक पे रेड कलर के उन्होंने वाइट कलर का एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है पूरा. एंड इसके ना बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं मीशो पे, आप देख सकते होंगे. ये मैंने रेड कलर का मंगाया क्योंकि मेरे पास ऐसा कुछ रेड नहीं है, मेरून कलर का है. सो मेरे पास ऐसा कुछ कलर का था नहीं. आई थॉट कि मैं ये ट्राई करके देखती हूँ कैसा लगता है. इसका पूरा राउंड नेक आप देख सकते हो, राउंड नेक किया हुआ है एंड आप देख सकते हो कैसा काम किया उन्होंने एम्ब्रॉयडरी ऊपर से नीचे तक. जैसा उन्होंने कैटलॉग में दिखाया था डिज़ाइन बिल्कुल वैसा सेम टू सेम है. हैंड उसका देख 1/3 स्लीव है, स्लीव पे लास्ट पे उन्होंने ऐसा वही एम्ब्रॉयडरी का काम किया है. बट इसमें इसके अंदर ना बस जो चेस्ट के एरिया जितने तक है ना बस इतने तक ही उन्होंने अंदर फैब्रिक दिया हुआ है ताकि सी थ्रू ना हो. अदरवाइज़ उसके बाद जहाँ से कमर स्टार्ट होती है वेस्ट जहाँ पे स्टार्ट होती है यहाँ से पूरा नीचे तक इसका लेंथ बहुत अच्छा है. और नीचे आप देख सकते हो कैसा उन्होंने काम किया हुआ है, मैं ट्राउन में दिखाऊंगी. सो नीचे तक ये पूरा जॉर्जेट का फैब्रिक है एंड इसके अंदर उन्होंने कोई भी कपड़ा नहीं दिया हुआ है तो ये पूरा सी थ्रू है कमर से लेके नीचे तक. सो वो आपको लाइक इसका जो चेस्ट का एरिया है ना ये बहुत बड़ा है एक्चुअली, यू नो एकदम आपके कमर तक आराम से आ जाती है, चेस्ट आपकी अच्छे से कवर अप हो जाती है. उसके बाद से आपका ये जो जॉर्जेट का ये स्टार्ट होता है. सो इफ यू आर कंफर्टेबल विद इट लाइक अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है सी थ्रू है तो आप इसको पहन सकते हो. वाइट कलर के अगर आपके पास कोई ट्राउज़र है प्लाजो है
कुछ भी आपके पास अवेलेबल है वाइट कलर का, आप उसके साथ ट्राई कर सकते हो। साइज मैंने स्मॉल मंगाया था इसलिए मुझे लूज हो रहा है, सो आप इसको बिल्कुल एक बार चेक कर सकते हो मीशो पे। तीसरा जो है दैट इज दिस ब्लैक मल्टी कलर चिकन करी कुर्ती, एंड ये मैंने लिया है देशी चिकन हैंडीक्राफ्ट शॉप से। इसका प्राइस मुझे कुछ पड़ा 498 रुपीज़, एंड इसका साइज मैंने स्मॉल मंगाया हुआ है। स्क्रीन पे कि मैंने क्या ऑर्डर किया था, एंड ये कुछ इस तरह का मुझे रिसीव हुआ है। बहुत ही प्यारा इसका जो काम है ना, चिकन करी का काम हुआ है, बहुत ही प्यारा ये। एंड ये इस तरह की कुर्ती पे ना मैं कब से नज़र लगा के बैठी थी, कब से मेरे विश लिस्ट में था कि मुझे इसको ख़रीदना है, बट ये हमेशा आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है एंड कभी भी अवेलेबल नहीं होता है। मैंने कितना ढूंढा है इसको, बहुत सारे दूसरे वेबसाइट जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, पता नहीं, मुझे कहीं पर भी नहीं मिला। सो फाइनली आई गॉट इट फ्रॉम मीशो, एंड मेरा नसीब इतना ख़राब है कि क्योंकि मैंने इसका रिव्यूज़ चेक किया था, रिव्यूज़ में जिनको भी रिसीव हुआ है ना वो बहुत ही अच्छा आया रिव्यूज़ उनका, बट मुझे जो आया वो बहुत ही गंदा निकला। एक तो ये मुझे बिल्कुल भी फिट नहीं हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा लूज़ है, जबकि मैंने इसका स्मॉल साइज़ मंगाया हुआ है। एंड ऊपर से इसका एक और प्रॉब्लम जो हुआ मुझे, दैट इज़ कि इसकी जो स्लीव है ना वो मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट, तो आप देख सकते हो। पहले मैं आपको दिखाती हूँ इसकी नेक कुछ इस तरह की, जैसा डिज़ाइन बिल्कुल सेम है जैसा उन्होंने दिखाया था कैटलॉग में, बिल्कुल वैसा है। काम भी बहुत ही अच्छा है, प्यारा सा काम है। यू कैन सी, मैं पास में दिखाऊंगी आपको जूम इन करके ट्राउन में, बट इसका जो स्लीव है ना वो कुछ ऐसे, मतलब सिलाई खुला हुआ आया था, आई डोंट नो व्हाई, बट मैंने जब इसका ट्राइन किया था ना तो मैं आपको इसमें सेफ्टी पिन लगा के दिखाई दी, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता, लाइक यहाँ से पूरे यू नो आर्म पिट से लेकर पूरा इसका सिलाई खुला हुआ है, यू कैन सी पूरा खुला हुआ है। सो इसके वजह से मैं इसको नहीं रख रही हूँ, मैं इसको रिटर्न कर रही हूँ। पता है मैंने जब इसको ट्राई किया मुझे इतना पसंद आया था, मैंने बोला कि मैं उसको टेलर के पास जाके सिलाई करवा के रख देती हूँ, फिर मैंने सोचा कि ये मुझे फिट भी नहीं हो रहा है एंड ऐसा आया है, सो इससे अच्छा कि मैं रिटर्न ही करवा दूँ ना, है ना, क्योंकि इसका प्राइस मुझे कुछ पड़ा है 498 पड़ा है इसका प्राइस, एंड ऊपर से तुम लोग ऐसा करके दे रहे हो, फिट भी नहीं हो रहा है। इसका साइज़ यहाँ पे लिखा हुआ है 38 मेरा नहीं है, 34 ही मुझे बहुत ज़्यादा लूज़ होता है। सो आई एम टोटली डिसअपॉइंटेड, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, एंड इसके साथ उन्होंने एक इनर भी दिया हुआ है जो कि ब्लैक कलर का, बहुत प्यारा काम किया है। आप देख सकते हो पूरे कुर्ती में चिकन करी का जो काम किया ना, पूरे एम्ब्रॉयडरी का, यू कैन सी थ्रेड पे, बहुत ही प्यारा है एंड बहुत ही सुंदर लगता है। आप इसके साथ ब्लैक कलर के जो ट्राउज़र है या फिर प्लाजो है वो आप ट्राई कर सकते हो, बहुत सही लगेगा। मैं सिर्फ ब्लैक ही बोलूँगी, ब्लू डेनिम भी आप ट्राई कर सकते हो, बट एक प्रॉब्लम है, इसकी जो इनर दिया हुआ है ना उन्होंने, इसकी लेंथ इतनी नहीं है, क्योंकि इसकी लेंथ बहुत है, मैं आपको दिखाऊंगी ट्रायन में, इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है एंड इसकी जो ये इनर वे की लेंथ इतनी नहीं है। सो ये इनर वे जो दिया हुआ उन्होंने 36 का दिया हुआ है, साइज़ यहाँ पे लिखा हुआ है 36, एंड इसका जो साइज़ है 38 है, तो ये भी मुझे बहुत ज़्यादा लूज़ हो रहा है, सो मुझे अच्छा नहीं लगा, एंड इसकी लेंथ भी बिल्कुल छोटी है, सो ये इसके साथ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। इसकी लेंथ अगर उन्होंने थोड़ी सी ज़्यादा दी होती ना, अगर दोनों की लेंथ सेम होती तो अच्छी दिखती, पर ट्रांसपेरेंट है ना एंड ब्लैक कलर का है तो पूरा सी थ्रू है, एंड अगर आप इसको ऐसे दे रहे हो ना, लेंथ दोनों का मैच नहीं कर रहा, तो बहुत गंदा दिखता है अगर आप ब्लू डेनिम या फिर कोई अलग कलर की पैंट के साथ इसको पहनोगे। तो या यू कैन ट्राई इट, मेरा ही बस ऐसा आया कि वो हैंड स्लीव जो है उसका वो खुला हुआ था, बट आप ट्राई कर सकते हो। सो ये है वो फोर्थ वन जो मैंने लिया, मिसेस ये मेरा फेवरेट है, ये मेरा इस हॉल का फेवरेट है, बिकॉज इसमें ऐसा कुछ भी नहीं जिसको मैं बोल सकूँ कि ये गलत, उन्होंने ये चीज़ अगर थोड़ी ऐसी करती तो बेहतर हो सकता था, ये एकदम परफेक्ट कुर्ता उन्होंने दिया है मुझे बना के। सो ये मैं बता देती हूँ कहाँ से लाई हूँ मैं, ये मैंने लिया है अन्नी डिज़ाइनर शॉप से। इसका प्राइस मुझे पड़ा 466 ओनली, एंड इसका साइज़ मैंने स्मॉल मंगाया है, एंड या सो मैं आपको दिखाती हूँ कैटलॉग में, आप देख सकते होंगे कि क्या मंगाया था मैंने एंड मुझे क्या रिसीव वो मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही प्यारा सा ये कुर्ता है, बट इसमें ना मैंने जब इसको ख़रीदा था तो जो कैटलॉग था ना उसमें उस लड़की ने इसको एक वाइट कलर के प्लाजो के साथ पहना हुआ है, आई थॉट कि वो सेट में आएगा, तो मैंने इतने अच्छे से देखा नहीं था कि उसमें आ रहा है या नहीं आ रहा है, सो मुझे लगा वो साथ में ही आएगा, सेट है, रिव्यूज़ भी उसका अच्छा ही था, बट मैंने इतने ध्यान से नहीं देखा था क्योंकि रिव्यूज़ में सारे सब कुर्ता की फ़ोटो दिए थे एंड उसमें शायद पैंट भी पहना था, बट मुझे लगा व्हाइट कलर का पैंट इसमें ही आया होगा, मुझे क्या पता वो अपना पहने हैं उसमें। सो दैट वाज, मैंने जब इसको रिसीव किया ना मुझे लगा कि उन्होंने पैंट ही नहीं दिया मुझे, अब मैं कैसे रिटर्न करूँगी, पैंट ही नहीं दिया मुझे, ये कैसे कर दिया मीशो ने कभी मेरे साथ ऐसे गड़बड़ तो किया नहीं, ये कैसे कर दिया। सो या लेट मी शो यू द कुर्ती, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा सा प्योर व्हाइट है, इसमें प्योर व्हाइट कलर का फेब्रिक है एंड उसमें उन्होंने ये काम किया हुआ है, ब्लैक कलर के एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है पूरा, बहुत ही सुंदर है। इसके हैंड्स आप देख सकते हो, स्लीव्स पे कितना प्यारा डिज़ाइन किया हुआ उन्होंने एंड वन थर्ड स्लीव है। इसके नेक आप देख सकते हो जैसा मुझे पसंद है बिल्कुल वैसे ही, ऐसे राउंड नेक होके बीच में से ऐसे वी किया हुआ है, एंड इस पे उन्होंने जो ये चेस्ट के एरिया पे जो किया है ना, ये जो काम है एम्ब्रॉयडरी का इतना प्यारा है, इतना प्यारा मैं बोल नहीं सकती। पीछे पूरा सिंपल है बट सामने आप देख सकते हो, नीचे उन्होंने इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा अच्छी है,
अच्छी खासी लेंथ है इसकी एकदम से। आप इसके साथ ना व्हाइट कलर का, अगर आपके पास प्लाजो है या फिर व्हाइट कलर का ट्राउजर कुछ भी आप इसके साथ पहन सकते हो। मैं रिकमेंड करूँगी प्लाजो पहनो या फिर ब्लैक कलर का ट्राउजर है तो वो भी आप पहन सकते हो। सो ये ना पूरे कुर्ती में इन्होंने व्हाइट कलर के ऐसे छोटी छोटी बोटी जैसी फ्लावर किया हुआ है। एंड साइड में उन्होंने यहाँ पे ना साइड पे उन्होंने ऐसा दिया हुआ है। सो अगर ये आपका साइज़ का नहीं है ना, परफेक्ट साइज़ का नहीं है, तो फिर वो गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि आप टेलर के पास जाके आप इसको फिटिंग नहीं करवा सकते, क्योंकि साइड पे ही उन्होंने काम किया हुआ है। साइड पे काम किया, अगर आप फिटिंग करोगे ना करोगे तो ये जो डिज़ाइन होने की वो पूरा चला जाएगा उसके अंदर। एंड ये मुझे थोड़ा सा जस्ट लूज़ हो रहा है, थोड़ा सा, जो कि मुझे ठीक लगा। आई मीन इतना चलता है, इतना लूज़ आपको पहनना ही चाहिए, मुझे तो पसंद है थोड़ा सा लूज़ पहना। सो दैट्स वाई इट्स अ वेरी गुड कुर्ता आई वुड से, क्योंकि इतने प्राइस में इतना अच्छा कुर्ती मिल रहा है, मैं आपको बोल नहीं सकती। सो या आप देख सकते हो लास्ट तक उन्होंने ऐसे जहाँ पे स्लिट हुआ है ना साइड में, वहाँ पे भी उन्होंने दोनों तरह वही डिज़ाइन किया हुआ है जो ऊपर के एरिया में था, ये वाला डिज़ाइन। ये व्हाइट कलर का, इसके अंदर उन्होंने बस जितना चेस्ट के एरिया में ना, जितना में उन्होंने ये एम्ब्रॉयडरी का काम किया ना, बस उसमें ही फैब्रिक किया हुआ है, बाकी पूरा सी थ्रू होगा मैं बोलूँगी। अंदर उसने कोई फैब्रिक या फिर कोई इनर नहीं दिया है इसके साथ। सो मैं रिकमेंड करूँगी अगर आपके पास कुछ न्यूड कलर का है वो आप पहन सकते हो, तो वो इतना दिखेगा नहीं आगे का क्योंकि काम किया है एंड इसमें वो फैब्रिक है इसके नीचे, तो नहीं दिखेगा, बट पीछे का इट कैन बी सी थ्रू हो सकता है वो, तो उसका आप ध्यान रखना, कुछ न्यूड कलर का आप पहन सकते हो। तो मैं इसका ट्राई ऑन आपको दिखाऊंगी, बहुत ही प्यारा सा कुर्ती है, आप बिल्कुल इसको ट्राई कर सकते हो, मैं तो रिकमेंड करूंगी, ये इस हॉल का मेरा फेवरेट है। ओके सो ये हॉल का हमारा लास्ट जो कुर्ता सेट है जो मैंने लिया है मीशो से, ये मेरा दूसरा फेवरेट है, क्योंकि इसका जब मैंने देखा था ना मीशो पे, मुझे तो एक नज़र में ही पसंद आ गया था कि मुझे ये चाहिए अपने वार्डरोब में, एंड ये परफेक्ट इंडियन वेयर है। सो इसका मैं बता देती हूँ क्या प्राइस पड़ा मुझे, इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, प्राइस पड़ा 824 एंड इसका साइज़ मैंने स्मॉल मंगाया हुआ है, एंड ये मैंने लिया है स्वाग फैशन शॉप से, एंड वो आप देख सकते हो कि मैंने पहना हुआ है, मेरे स्क्रीन पे आप देख सकते हो जैसा उन्होंने कैटलॉग में दिखाया बिल्कुल सेम है, बट एक जो गलती उन्होंने किया है कि मैंने ना वो पर्पल कलर का मंगाया हुआ था, आप स्क्रीन पे देख सकते होंगे पर्पल कलर का मंगाया था, बट इन्होंने ना मुझे वो पिंक कलर का दे दिया, जो पीच कलर का पिंक नहीं होता वो कलर का उन्होंने दिया हुआ है, देख सकते हो आप, मैं आपको ट्राई ऑन में दिखाऊंगी। वो थोड़ा सा गलत हो गया मेरे साथ, बट दोनों, वो पर्पल कलर का जितना ही खूबसूरत था ना, ये पिंक कलर का भी उतना ही खूबसूरत है। सो आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हो इसको, इसके जो भी उन्होंने काम किया है ना स्लीव्स पे, एंड नीचे आप इसका घेरा देख सकते हो, सब कुछ एकदम परफेक्ट है। इसका दुपट्टा से मैं स्टार्ट करती हूँ आपके लिए, इसके दुपट्टे पे आप देख सकते हो लास्ट में ना, दुपट्टे के लास्ट में उन्होंने ये वाला डिज़ाइन किया है, जो कि उन्होंने कुर्ती में किया हुआ है, जो अनारकली से अनारकली है ना उसमें उन्होंने नीचे जो डिज़ाइन किया हुआ है हैंड पे जो किया हुआ है ना, यहाँ पे जो फ्लावर है स्लीव पे, वो पूरे दुपट्टे में बस नीचे उन्होंने बॉर्डर पे ये वाला फ्लावर वाला डिज़ाइन किया है, एंड यहाँ पे उन्होंने सिल्वर कलर का लाइनिंग दिया हुआ है जो कि बहुत ही शाइन देता है, एंड पूरे दुपट्टे में उन्होंने इस तरह का कुछ प्रिंट किया हुआ है। सो ये बहुत प्यारा है। इसके अलावा दुपट्टे में तो बस यही काम किया हुआ है। पैंट एकदम सिंपल है इसका, पैंट वाइट कलर का है, वाइट कलर की, बस नीचे उन्होंने ऐसा जैसा, बस नीचे उन्होंने यहाँ पे जैसा डिज़ाइन किया हुआ है ना वैसा ही डिज़ाइन उन्होंने पैंट में किया हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगी जूम इन करके। एंड उसके बाद इसके जो कुर्ता है, जो अनारकली है, उसमें जो मुझे सही नहीं लगा कि उन्होंने जो स्लिट किया है ना टमी के पास से, यू नो कमर जहाँ पे स्टार्ट होती है, जहाँ पे चेस्ट खत्म होती है, वहाँ पे जो स्लिट किया है, अगर वो स्लिट ना करते थे तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि मुझे नहीं पसंद आया वो स्लिट की वजह से, यू नो वो थोड़ा सा पैंट लूज़ है, थोड़ा इलास्टिक दिया तो है पैंट में बट फिर भी ये थोड़ा सा लूज़ है, तो वो नीचे जा रहा है कभी कभी, एंड उसकी वजह से ना ये जब ड्रेस आप थोड़ा सा हाथ ऊपर ऐसा करते हो तो वो आपका जो वेस्ट एरिया ना वो दिख जाता है, जो मुझे नहीं पसंद आ रहा है, अदरवाइज़ इट्स रियली गुड। इसके जो स्लीट्स है, मैं सोच रही हूँ कि इसके स्लीट्स जो है ना मैं इसको टेलर के पास जाके ज्वाइन करवा दूँगी, क्योंकि तब मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। आपको अगर ये स्लीट पसंद है ना आप बिल्कुल रख सकते हो। इसमें भी उन्होंने एंड में ना वो डिज़ाइन किया हुआ है जैसा दुपट्टे में किया था, सिल्वर लाइनिंग दिया हुआ है एंड उसके ऊपर उन्होंने वो फ्लावर का प्रिंट किया हुआ है पूरे अनारकली में, बहुत ही सुंदर है। एंड इसकी नेक आप देख सकते हो, राउंड नेक किया हुआ है उन्होंने, राउंड नेक पे एंड यहाँ पे चेस्ट के एरिया पे उन्होंने वो फ्लावर का डिज़ाइन किया हुआ है। सो बहुत ही प्यारा सा अनारकली का सेट है, ये बहुत ज़्यादा पसंद आया, बट एक प्रॉब्लम है कि मुझे वो वायलेट कलर की, पर्पल कलर की चाहिए थी, बट उन्होंने वो ये पिंक कलर का दे दिया, बट क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है। अगर आपको ये पसंद है आप बिल्कुल जाके मीशो पे इसका चेक कर सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज हॉल, आई होप आपको मेरा ये राखी आउटफिट का जो पार्ट टू था वो आपको पसंद आया होगा। कोई और आपसे अगर आपको कोई हॉल वीडियो चाहिए ना तो आप मुझे बिल्कुल बोल सकते हो, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू क्रिएट दैट हॉल। सो या थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट हॉल, टिल देन टेक केयर, बाय।